अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एस डी एम एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। हाउ आर यू बॉयज़? हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड वेयर मास्क वेर एवर यू गो। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 16, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, सो फर्स्ट आपको पता ही होगा कि इन इंग्लिश सेंटेंस वी हैव अ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वर्ब को प्रेडिकेट भी बोलेंगे और ये एक्सरसाइज हम फोर्थ में सीख गए हैं। सब्जेक्ट पार्ट इज अ बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, नेम। ओके, एंड वर्ब पार्ट इज अ एक्शन वर्ड, वॉट एवर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, सो हियर लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। एवरी सेंटेंसेस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हर सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है नाउन और प्रोनाउन, बट विदाउट दिस सब्जेक्ट वी कांट मेक अ सेंस इन सेंटेंसेस। ओके, सो सब्जेक्ट इज मस्ट इन सेंटेंस। द वर्ब कैन बी अ मेन वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब विथ अ मेन वर्ब। ओके, वर्ब दो तरीके के हो सकते हैं। इट्स अ मेन वर्ब। ओके, बेसिकली वी कॉल्ड इट एक्शन वर्ड। ओके, प्ले, क्राई या बट लाफ। ओके, दिस काइंड ऑफ एक्शन वर्ड। एंड हेल्पिंग वर्ब विथ अ मेन वर्ब। सो व्हाट्स द हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज। ओके, बेसिकली मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी है, इट्स अ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। एंड उसके साथ हम मेन वर्ब भी यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज ही हैज अ पेन। सो हियर ही इज अ सब्जेक्ट एंड हैज मेन वर्ब है, बराबर। यहां पर मेन वर्ब है क्योंकि यहां पर कोई दूसरा एक्शन वर्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा। सेकेंड इज ही हैज बॉट अ पेन। सो यहां पर ही इज अ सब्जेक्ट, हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ बॉट इज अ मेन वर्ब। हियर द एप्पल्स आर फ्रेश। ओके, सो हियर द एप्पल्स इज अ सब्जेक्ट एंड आर हियर मेन वर्ब। The children are running. So here the children is a subject. Are running. So here are is a helping verb and running is a main verb. So let's start with the new concept. The verb in a sentence must agree with the subject in number and person. This means that singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. Okay, हमें सिखाया गया है कि singular subject होगा तो verb भी singular होगा और plural subject होगा तो verb भी plural होगा. Okay, so यहां पर first example लिखेंगे। I am playing. So here I is a singular noun. Okay, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हियर एम इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब और प्रेडिकेट। यू आर प्लेइंग, सो हियर यू इज अ प्लूरल, बराबर। एंड आर इज हियर ऑल्सो द प्लूरल प्रेडिकेट। इसी तरह द गर्ल इज प्लेइंग, सो द गर्ल इज अ सिंगुलर नाउन हियर, सब्जेक्ट हियर। सो हियर ऑल्सो वी यूज वर्ब इज इज सिंगुलर। ओके, इसी तरह सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स हमें दिए गए हैं। देखिए सिंगुलर वर्ब्स, आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन, द वॉटर इज बॉइलिंग एंड प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर प्लूरल तो हमें पता है, सिंगुलर यानी कि एक और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। ओके, सो हियर प्लूरल वर्ब्स विथ प्लूरल नाउन्स वी, यू एंड दे। वी आर सिस्टर्स, यू आर बोथ रॉन्ग, दे आर लेट। सो हियर विद द प्लूरल नाउन वी यूज प्लूरल वर्ब्स, विद द सिंगुलर नाउन वी यूज सिंगल वर्ब्स। ओके, इज
and R is a plural verb. So here with the plural noun, plural subject, we use plural verbs also. When two singular nouns are joined by an, the table and chair. So here both individually is a single, but with the use of and, this the table and chair make plural sense. So the table and chair are broken. So here we use R verbs. Okay, R verbs is a plural verb. So with the singular subject, we use singular verbs. With the plural subject, we use plural verb. Okay, I hope आपको ये समझ आ गया होगा और हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज.